है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। आजकल महामारी जहां एक तरफ देश के लिए संकट बनकर खड़ी है, वहीं पुलिस और प्रशासन में आजकल तनावपूर्ण माहौल दिखाई देने लगा है। पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से नाराज लेखपाल कार्य बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद तहसील के लेखपाल शेल्टर हाउस पर तैनात थे, तभी कुछ पुलिस अधिकारियों ने लेखपाल से अभद्र व्यवहार कर दिया, जिससे लेखपालों में तनाव व्याप्त हो गया और लेखपालों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दी और तहसील कार्यालय पर एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि यदि लेखपालों से ऐसा व्यवहार होगा तो वे कार्य बहिष्कार कर देंगे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की। लेखपालों ने जो विरोध किया है ऐसा है, 17 तारीख को जॉर्जियंस जो एकेडमी स्कूल है वहां पर सेल्टर होम बना हुआ है, वहां हमारे लेखपालों के साथ पुलिस के कुछ अधिकारियों ने थोड़ा सा वार्तालाप अशिष्ट भाषा में किया, तो ये हम लोगों को थोड़ा कष्टदायी लगा। और क्योंकि वो लोग भी ड्यूटी में लगे हुए हैं और सभी लोग मिल करके जिलाधिकारी महोदय के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, तो हम लोगों की आज प्रतिनिधिमंडल जिला का एक आपातकालीन बैठक उस दिन की तहसील में, और आज प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी महोदय से मिला। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमें पूर्ण रूप से ये आश्वस्त किया है कि पूरे जनपद में कहीं भी लेखपालों के साथ किसी भी प्रकार की पुलिस के द्वारा कोई अभद्रता की घटना नहीं की जाएगी। यदि ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से ये हमारे संवर्ग में आंदोलन की स्थिति बनेगी और इसके लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा होंगी वो बहुत ही अप्रिय होंगी, जो संतोषजनक नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमें ये आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से वो इस पर जो है ध्यान देंगे और हम सभी जितने भी वर्ग और संवर्ग हैं, सभी सरकारी कर्मचारी हैं, मिलकर के इस कोरोना की बीमारी से निश्चित रूप से लड़ेंगे। और ये हमारा धर्म भी है कि हम सभी मिलजुल करके ही इस बीमारी से लड़ें और समाज को इस बीमारी से मुक्त रखें।